गुड मॉर्निंग, जय सी एल सी। तो आज फिर आपका स्वागत है गुरुनीति फिजिक्स पार्ट 17 में। मैं किशोर शेखावत और मेरे साथ हैं सोलंकी सर। तो आज हम लोग वैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन का सेकंड पार्ट वो करने जा रहे हैं, जिसमें आपको मालूम है कि फर्स्ट पार्ट में हमने एक से लेकर के 35 क्वेश्चन आपको दिए थे, जिसमें अपने बेसिक एसएम और एनर्जी का पार्ट है वो डिस्कस किया था। अब उसके बाद जो आपका सिंपल पेंडुलम है या स्प्रिंग पेंडुलम है या और भी जो आपके पेंडुलम है जहां पे आपको टाइम पीरियड वगैरह निकालने पड़ेंगे, उन सब पे अपन चर्चा करेंगे। तो सर जी, आप बताएं कुछ इसके बारे में। देखो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करेंगे, नीट एग्जाम या जेई मेंस के एग्जाम की बात करेंगे, तो ऐसा कोई ईयर नहीं गया जहां से सिंपल हार्मोनिक मोशन से प्रॉब्लम नहीं पूछी गई। या तो बेसिक से पूछी जाएगी या फिर पेंडुलम से पूछी जाएगी। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम यहाँ से आनी आनी है और इजी प्रॉब्लम आती है। अगर आप ढंग से थोड़ा सा इसको टाइम देंगे, थोड़ा सा आप समझेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम नीट में तो हमेशा करेक्ट होगी होगी। अप्रोचेबल चैप्टर है, अप्रोचेबल प्रॉब्लम पूछी जाती है, इसलिए आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल जी, तो स्टार्ट करें अपन। बिल्कुल, पहला क्वेश्चन अपना जो है वो है सिंपल पेंडुलम से। तो सिंपल पेंडुलम की जो बेसिक जानकारी पहले अपन एक बार दे लेते हैं, ताकि जो इसके क्वेश्चन जो आपके एक से लेकर कुछ पांच क्वेश्चन है वो तुरंत आपके हो जाएंगे। जैसे आप देखें, मान लो मैं एक पेज खाली कर लेता हूं आपके लिए, कि ये मान लो मेरे पास कोई एक रिजिड सपोर्ट है और मैंने यहां से किसी एक बहुत ही हल्की मासलेस स्ट्रिंग, तो पॉसिबल नहीं प्रैक्टिकली पर एज्यूम करते हैं, और उससे बहुत ही हैवी, तो मासलेस स्ट्रिंग जो पॉसिबल नहीं है, बहुत हैवी, एक बहुत छोटा, बहुत ही कॉम्पैक्ट, बहुत छोटा एक हमारे पास मान लो कोई बॉब है, या एक मान लो उसको दौलत बोलते हैं अपन, इसको अपन यहां बांध दें। अब इसमें बहुत छोटा है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे है। अब मान लो हमारे पास ये इसकी लेंथ है वो स्मॉल एल कह दूं, इसको मैं एक बार बड़ा मान लो इस तरह से यूं, तब इसमें ये डिस्टेंस मान लो स्मॉल आर इसकी रेडियस हो जाएगी। तो यहां पे एक तो ध्यान रखना है कि एल इफेक्टिव जो हुआ करता है वो आपका है स्मॉल एल प्लस आर, एल इफेक्टिव पे ही डिपेंड करेगा। अब ज्यादा इससे अपन बहस ना करते हुए सीधे सी बात करें, तो एक तो आप क्वेश्चन ध्यान रखना है कि इसका टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो है 2π√L effective/g। जी भी जी इफेक्टिव है, जी इफेक्टिव लेते हैं, जी भी जी इफेक्टिव लेंगे अपन। अब वो अलग अलग केसेस में है, वो अपन बाद में क्वेश्चन जैसे आएंगे वैसे बात करते जाएंगे। और मोस्टली जैसे मान लो जी इफेक्टिव बात करता हूं, तो जी इफेक्टिव के केस इफेक्टिव जब होंगे जब अपन इस पेंडुलम के पूरे सिस्टम को किसी लिफ्ट के अंदर ट्रांसफर कर दें, है ना। तो लिफ्ट के अंदर ट्रांसफर करने के पश्चात जी इफेक्टिव मोस्टली आपका या तो जी प्लस ए होगा या फिर कितना जी माइनस ए, जी माइनस ए होगा। अगर कोई लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर मूव कर रही है, नीचे मूव कर रही है, उस केस में तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, वहां पे ए आपका कितना जीरो होगा, ओनली जी इफेक्टिव आपका जी बन जाएगा। परंतु अगर वो लिफ्ट ऊपर मूव कर रही है तो ध्यान रखिए ऊपर होने पे शैडो फोर्स आपका नीचे होगा, जी इफेक्टिव बढ़ जाएगा, उस केस में जी प्लस ए आएगा, और नीचे मोशन हो रहा तो कितना जी माइनस ए आएगा। इसमें बच्चे ध्यान रख सकते हैं, एक तो अप है, एक आपका है डाउन। आपका लास्ट वर्ड क्या है, पी से मतलब पॉजिटिव और डाउन का मतलब एम से मतलब हो गया आपका नेगेटिव। इस तरह से बच्चे इसको आसानी से काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो एक बात तो ध्यान कर लो कि लिफ्ट के केस में क्वेश्चन आए तो आप इसमें जी इफेक्टिव को बदल लेंगे। सेकंड थिंग देखो, हमारे पास एल इफेक्टिव है, तो अपन ने कहा कि एल इफेक्टिव हमारे पास होता है एल प्लस आर। तो हम मान लो मैं इस बॉब के स्थान पर कोई दूसरा सेम मास का अगर यहां ट्रांसफर कर दूं, तो वहां आपको ध्यान रखना कि एल इफेक्टिव बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो सकता है कि अपने सेम रेडियस की कोई दो बॉडी थी, एक हल्की बॉडी है एक भारी बॉडी, उनको अपन यहां रिप्लेस करते हैं। तो आप जानते हैं यहां पर कि जो टी है, ये टी जो है उसकी डिपेंडेंस में ओनली किसका है, एल का रोल और जी इफेक्टिव का है। आप जानते हैं टी है वो किसी दोलक जो है या ऑसिलेटर है उसके मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मास कम है चाहे ज्यादा उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एल इफेक्टिव पे आपकी नजर रहनी चाहिए। फिर देखो अगर और आप बात करेंगे तो क्वेश्चन इसमें परसेंटेज चेंज के वगैरह आ जाए, तो टी प्रोपोर्शनल हमारे पास कितना आ गया, टी प्रोपोर्शनल रूट एल हो गया। इसमें मालूम करता हूं इसमें टी डेज अपॉन टी, तो आपका हो गया रूट एल डेज अपॉन एल। इसे फिर एल डेज डेज किस प्रकार से उनको लेकर अपन क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अपन आते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन में, वापिस आते हैं। तो देखो क्वेश्चन हमारा है बहुत ही सिंपल, क्वेश्चन आपका देखो है कि द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम विद ए हैवी मेटल बॉब ऑफ डायमीटर 5 mm इज टी। इफ नाउ द बॉब इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वन हैविंग डायमीटर 10 mm, द न्यू टाइम पीरियड विल बी। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका ये बन गया देखो यहां पर, कि मान लो ये हमारे पास था एल लेंथ का कोई सिंपल पेंडुलम,
और यहां हमने एक कोई बोब लटका रखा है जिसकी रेडियस हमारे पास है कितनी 5 मिलीमीटर। ऐसे में इसकी एल इफेक्टिव क्या हो गया स्मॉल एल प्लस 5। पर आपने अब इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि केवल हमने इसको रिप्लेस करा किससे 10 मिलीमीटर के दूसरे बॉब से और ऐसे में देखो इसकी एल इफेक्टिव क्या हो गई इंक्रीज। ठीक है और एल इफेक्टिव इंक्रीज होने से आपको मालूम है यहां पे टाइम पीरियड क्या पहले से कुछ ज्यादा आ जाएगा विल बी इंक्रीज्ड। अब टाइम पीरियड का बढ़ना मतलब स्लो हो गया ये क्या हुआ स्लो फास्ट नहीं हुआ स्लो हो गया ये पेंडुलम कम रेट से ऑसिलेट करना शुरू कर देगा इस टाइम पीरियड का आपका बढ़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। साथ में देखो इसका दूसरा क्वेश्चन भी इसी थीम पे अपन ने सेट कर रखा था आप ध्यान करें उस अगले क्वेश्चन में तो वहां देखें क्वेश्चन क्या है कि द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम विद ए हैवी मेटल बॉब ऑफ डायमीटर 5 मिलीमीटर एंड मास 10 ग्राम इज टी इफ नाउ द बॉब इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वन हैविंग डायमीटर 5। आप देखो यहां पर डायमीटर अपन ने सेम रखा है पर मास अपन ने बदल दिया तो आपको भी मैंने बताया था कि मास पे डिपेंड नहीं करता है तो मास पे डिपेंड नहीं करेगा तो इसका टाइम पीरियड भी आपका क्या रहेगा टी कांस्टेंट। एल इफेक्टिव यहां पे क्या रहेगी कांस्टेंट है तो दोनों ही केस में 5 मिलीमीटर होगी इसलिए मास के ऊपर इसका डिपेंडेंस नहीं होगा तो आप इसका आंसर टी कर सकते हो फर्स्ट। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो अब आप आंसर अपना क्वेश्चन सिंपल सा देखो बता दो पढ़ दूं मैं ये सिंपल पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार मोशन विद ए टाइम पीरियड टी इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज दिस देन परसेंटेज चेंज इन पीरियड ऑफ पेंडुलम विल बी। तो सर आप इसमें टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला हमें मिला था आप कहेंगे टी इज इक्वल्स टू 2 पाई आर रूट एल अपॉन जी यहां पे एल को चेंज किया दैट इज हम क्या बोलेंगे टी इज दैट्स इक्वल्स टू और रूट एल वैल्यू पुट कर देंगे और वैल्यू पुट करने पे मुझे क्या मिल रहा है आप कहेंगे टी डैश अपॉन टी इज इक्वल्स टू और रूट ऑफ एल डैश अपॉन में एल। एल डैश को आपने कितना बढ़ा दिया है 21% इंक्रीज किया तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी आप कहेंगे इनिशियल की 21% इंक्रीज हो गई तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो मिलेगा टी डैश अपॉन टी इज इक्वल्स टू आर रूट ऑफ हम कहेंगे 1.21 एल अपॉन में एल आपको मिलेगी। यस एल से एल कैंसिल आउट कर दीजिएगा मुझे यहां पे जो मिला है क्या मिला देख लीजिएगा आप कहेंगे टी डैश अपॉन टी जो मिला है वो मिलेगा आर रूट ऑफ क्या बोलेंगे 121 अपॉन 100 इसी को सोल्व करेंगे तो मुझे जो यहां से मिला है आप 11/10 परसेंटेज चेंज पूछा है तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे -1 ऑफ बोथ साइड तो आप चेंज इन टाइम पीरियड अपॉन टी मल्टीप्लाई 100% इज इक्वल्स टू हमें जो मिलेगा 1/10 मल्टीप्लाई 100%। तो यहां से आप देखेंगे तो मुझे जो मिला है टाइम पीरियड विल बी इंक्रीज्ड 10% ऑप्शन आप देखेंगे तो 10% इंक्रीज हो जाएगा टाइम पीरियड विल बी इंक्रीज्ड बाय 10% फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल। तो सर इसमें मैं एक चीज और बच्चों के लिए शेयर करूं देखो कि जहां पर भी परसेंटेज चेंज क्वेश्चन आते हैं तो एक मेरा बहुत ही ट्रिकी इसमें एक तरीका रहता है जैसे आपने अभी क्वेश्चन को देखा तो टी प्रोपोर्शनल टू हमारे पास आ गया रूट एल अगर मैं इसको लिखूं टी डे अपॉन टी तो ये बन गया देखो एल डे अपॉन एल। ओके तो अब यहीं से आपको अप्रोच शुरू कर देनी है एक ही स्टेप में आपका आंसर कैसे लाते हैं उसको देखें आप उसके लिए क्या करें देखो जहां पर भी चाहे डिपेंडेंस 1 पे हो चाहे सर 2 पे हो 2 पे हो आपकी डिपेंडेंस मान लो 2 पे है 3 क्वांटिटी भी कैसे भी हो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जहां आपका था ना इनिशियल उसको 100 उसको 100 मान लो। तो जैसे मान लो मैं यहां इसको ये टी और मेरे पास एल है तो दोनों को चलो मैं यहां लिख देता हूं इसको ये मेरे पास टी था तो टी डे अपॉन 100 इज इक्वल टू ये मेरे पास देखो जो इनिशियल था वो मैंने 100 एज्यूम कर लिया। अब इसके 100 होने पर एल डे कितना आपने कहा कि 21% बढ़ा दिया तो हो चुका आपका 121। अब देखो इसको ऐसे करने पे 11 अपॉन के जैसा 10 आ गया इसको उड़ा दो यहां से तो कितना हो गया तो टी डे मेरे पास हो चुका है 110। बस अब हमने टी कितना माना था 100 तो टी अपने 100 माना था टी डेज कितना हो गया 110 तो बड़ी कितनी वृद्धि कितनी होगी 10% होगी। तो अब इसी से एक स्टेप से इसको कर सकते हैं बाकी जो अच्छा बच्चा होता है 11th वाला है या टारगेट बच्चा है वो दोनों तरह से इसको देखें अच्छे से उसको करें ताकि उसको संतुष्टि मिलनी चाहिए। ठीक है बेटा अब बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नेक्स्ट में तो अपना क्वेश्चन हो गया
9। तो यहां क्वेश्चन देखो, सिंपल आपने बात की थी वही एलिफेंट अगेंस्ट हो गया। तो ये कह रहा है कि ए चिंपैंजी स्विंगिंग ऑन ए स्विंग इन ए सिटिंग पोजीशन स्टैंड्स अप सडनली द टैम्पिड विल बी। तो सर ये तो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से बात हो गई, बिल्कुल बिल्कुल। सेंटर ऑफ मास अपवर्ड से अपवर्ड हो जाएगा, अपवर्ड से एल इफेक्टिव डिक्रीज हो जाएगा, एल इफेक्टिव डिक्रीज होने से टाइम पीरियड आपने का विल बी डिक्रीज डिक्रीज। बिल्कुल सिंपल सा केस, यानी आप इस तरह से कोई झूला था उसमें पहले मान लो बैठे थे और खड़े हो गए, जैसे बैठे थे इसका सेंट्रल मास यहां तक, इसकी एल इफेक्टिव आपकी ये रही होगी, तो जैसे ही अपने आप को स्टैंडिंग मोड में करेगा तो सेंट्रल मास राइज करेगा तो इसकी एल इफेक्टिव डिक्रीज, तो टाइम पीरियड आपका हो जाएगा डिक्रीज, क्योंकि एल पे रोड एल पे पर पोस्ट में। तो इसका आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी क्वेश्चन आपका है 40, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, दो सिंपल प्रॉब्लम है, उनकी दरेक अपने को फ्रीक्वेंसी रेशियो, तो आप पूछा उनकी लंबाई का अनुपात कितना है। तो इसको तो मैं ऐसे तुरंत बता दूं, तो टी प्रोपोर्शनल वन अपॉन एफ होता है, तो इक्वल होता है प्रोपोर्शनल आपका क्या था रूट एल बाई सी, तो एल, तो फ्रीक्वेंसी पे इसकी डिपेंडेंस किस तरह से होगी, वन अपॉन रूट एल। तो डायरेक्टली अपने उसको देखें तो एफ वन अपॉन एफ टू बराबर हो गया रूट ऑफ ये एल टू बाई एल, और एल हमारे पास क्या थी भाई 2:3, तो 3:2 हो गया क्या। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया आपका f2 by f1 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या था 2:3, तो 3:2 3/2 इसका स्क्वायर, तो 9/4, तो लेंथ का रेशियो कितना होगा 9/4, तो आंसर कौन सा हो गया फोर्थ। ओके अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 41। तो ये तो अपन अभी बात की थी सर, है ना, जी इफेक्टिव जी इफेक्टिव लेना होगा यहां पे आपको। तो यहां कैसे मोशन हो रही है, नीचे जा रही है, तो G effective कस्टू G minus A आ जाएगा, तो G minus A हो जाएगा, तो आपका Z effective क्या बन जाएगा, Z minus का Z by 3, यानी 2 by 3, बस तो क्वेश्चन आपका बन गया, तो T equal to 2 by और root L upon Z effective जो कि है कितना 2 Z by 3, 3 को आप ऊपर ले जाएं, तो अपना आंसर कितना 2 by root 3L by 2G, तो उस बेस पे आपका क्वेश्चन आंसर क्या कर देगा थर्ड। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिल्कुल क्वेश्चन 42। तो सर आप इसमें देखें क्वेश्चन को क्या कह रहा है, बिल्कुल आप आ जाएंगे सर, लैंग्वेज लंबी है इसकी। हाँ, a simple pendulum is set up in a trolley which moves to the right with a acceleration on a horizontal plane, then the thread of pendulum in the mean position makes the angle theta with vertical। तो आप देखेंगे इसको, ऐसी प्रॉब्लम आपने बनाई है, कहाँ पे बनाई, लॉज ऑफ मोशन बनाई, जहाँ पे स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट को मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँ, तो आप कहेंगे एक ट्रॉली है और ये ट्रॉली राइट डायरेक्शन में ए एक्सीलरेशन से मूव करे, इसके सिलिंग से आपने का एक पेंडुलम को हैंग कर रखा है, और पेंडुलम को हैंग करा तो ऑब्वियसली ये ट्रॉली फॉरवर्ड एक्शन मूव करी ए एक्सीलरेशन से, तो स्यूडो पीछे की ओर आएगा, और ये स्यूडो क्या करेगा, इसको पीछे की ओर शिफ्ट कर देगा, बॉब को पीछे की ओर शिफ्ट कर देगा, और पीछे की ओर शिफ्ट करेगा, यहाँ से एंगल वर्टिकल के साथ पूछा गया है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो फोर्स जो मुझे मिला दिस वन एम जी मिला है, और ये फोर्स आपको मिला है एम ए, तो टेन थीटा से आप सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर कंपोनेंट भी ले सकते हैं, कंपोनेंट आप 11 के स्टूडेंट तो कंपोनेंट ले, टारगेट के बच्चे को कंपोनेंट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधे सीधे क्या बोलेगा वो कहेगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर जो आपको मिला एम ए मिला है, और बेस जो आपको मिला एम जी के इक्वल मिला, यहां से आप देखेंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स क्या बोलेंगे ए अपॉन जी, ये एंगल जो मेकिंग हो रहा है एक्सीलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन हो रहा, पार्टिकल फॉरवर्ड एक्शन एक्सीलरेट हो रहा, दैट इज आप कहेंगे एंगल जो मेकिंग होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में मेकिंग होगा,
तो इसका आंसर आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा tan इनवर्स a by z फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड में नहीं होगा, आप लेंगे tan इनवर्स a by z इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो सेकंड ऑप्शन इसका हमें करेक्ट मिलेगा। स्यूडो का कांसेप्ट है, सिंपल सी प्रॉब्लम है। yes. तो बढ़े हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में। 43 का क्वेश्चन सिंपल एल इफेक्टिव बैग, ये प्यारी प्रॉब्लम है, जेई में पूछी गई है, बहुत पहले पूछी गई थी, उसी प्रॉब्लम को मॉडिफाई करके बताया हम लोगों ने। तो यहाँ पे अपने देखा क्वेश्चन क्या था, पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम होस बॉब इज ए होलो मेटालिक स्फीयर इज टी। तो पहले केस में तो मेटालिक स्फीयर है पर होलो है, और ऐसे में इसका सेंट्रो मास कहां पे होगा, इस पॉइंट पे। दूसरे केस में आते हैं, द पीरियड इज टी1 व्हेन द बॉब इज फिल्ड विद सैंड, इसको कंप्लीटली आपने फिल करा तभी इसका सेंट्रो मास इसके सेंटर पे होगा। तो होलो और सैंड से भरे दोनों केस में ऐसा होगा। अब देखो अंदर क्या है इस मैटर पे डिपेंड नहीं करा, अगर आपने उसे फुली फिल कर रखा है तो सेंटर ऑफ मास निश्चित रूप से यहां पे इसका ठीक सेंटर पे होगा। तो तीनों केस में, यहां पर भी मरकरी से इसको भर रखा है तो तीनों केस में सेंटर ऑफ मास कहां, ठीक इनके मिड में है। तो अब इसकी मान लो एल लेंथ ये है, इसकी एल लेंथ ये, एल लेंथ ये, और इसको मान लो इसकी रेडियस स्मॉल आर, इसकी भी रेडियस स्मॉल आर, तो सेम साइज दे रखे हम लोगों को, उसी में आपने इसको भरा है। तो आप देखें इन तीन केस में तो सर मेरे हिसाब से एल इफेक्टिव सेम है, टाइम पीरियड भी सेम है। अब फोर्थ जो कह रहा है उसमें क्या कह रहा है, देखो T3 व्हेन इट इज हाफ फिल्ड विद मरकरी, इसको आधा हमने भर रखा है, तो ऐसे में इसका सेंटर मास कुछ नीचे शिफ्ट होगा, L इफेक्टिव इंक्रीज हो गया, L इफेक्टिव इंक्रीज होगा, L इफेक्टिव इंक्रीज होने पर अब ये इसकी लेंथ होगी और ये लेंथ इनके कंपेरेबल कैसे ज्यादा होगी, तो टाइम पीरियड भी निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। तो अपना आंसर जो होना चाहिए कितना, T1 और T2 और T3 तो बराबर होंगे, T3 इसका दे रहेगा, T3 ज्यादा होगा, इसका T दे रहेगा, तो ये T1 T1, T और T1, T2 तो बराबर होंगे, और T3, yes, T3 जो होगा वो आपका सबसे बड़ा हो जाएगा, ये इसका आंसर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, और फोर्थ ही मिलेगा क्योंकि एल इफेक्टिव ओनली लास्ट केस में इंक्रीज हो रहा है, तो लास्ट का टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा। बिल्कुल हाँ, इसमें एक क्वेश्चन जो मेनली इसका जो बेसिक अपन क्वेश्चन देखेंगे तो वो भी आप समझे, जैसे मान लो हमारे पास ये कोई इस प्रकार से एक मटका था, इसको पानी से अपन ने भर दिया, मान लो अब पानी से भरा और नीचे अपन ने एक होल कर दिया और लगातार इससे बहुत ही ड्रॉप के रूप में पानी मानो निकलना शुरू हो जाए, तो आप ये देखिए इनिशियल इसका सेंटर मास कहाँ पे, सेंटर पे है, तो एल इफेक्टिव आप मालूम है, पर जैसे ही पानी यहां से बाहर निकलना शुरू होगा तो इसके आधा खाली होने तक सेंटर मास नीचे शिफ्ट होगा, और जैसे आधा खाली होने के बाद और इससे पानी निकलना शुरू हो जाएगा सेंटर मास वापिस ऊपर शिफ्ट होगा। तो अब देखो सेंटर मास पहले नीचे शिफ्ट हुआ तो एल इफेक्टिव बढ़ी, फिर और पानी यहां से बाहर निकला, और अपन जानते जैसे ही पूरा का पूरा खाली होगा सेंटर मास वापस के सेंटर पे पहुंच गया, सेंटर पे आ जाएगा। तो आप देखो यहां पे एल इफेक्टिव पहले बढ़ रही है फिर घट रही है, ये तो है ना। अब एल इफेक्टिव पहले बढ़ने से और फिर घटने से और पहले की कंडीशन और लास्ट की अपन चेक करेंगे तो पूरे भरे का टाइम पीरियड और पूरे खाली का सेम रहा, और पहले क्या फिर बढ़ा मैक्सिमम के फिर वापिस घट गया, घटकर इनिशियल के बराबर आ गया, बिल्कुल इनिशियल बराबर हो जाएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम नीट के बच्चों के काम हो सकती है, प्यारी प्रॉब्लम है, ये भी प्यारी प्रॉब्लम है, इसको बच्चे कर लेंगे, बड़े आगे सर जी। ओके तो अपन पहुंच गए क्वेश्चन 44 पे। तो ये क्वेश्चन देखें आप, तो इसमें देखो ये क्वेश्चन है, ए सिंपल पेंडुलम हैज ए टाइम पीरियड टी इन वैक्यूम, इट्स टाइम पीरियड व्हेन इट्स कंप्लीटली इमर्ज इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1 एट ऑफ द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉब इज। तो इसको देखो मैं एक सिंपल वे से इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, तो जब भी एक तो ध्यान रखें बच्चों, जब भी हम किसी भी सॉलिड बॉडी को किसी लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं तो उस केस में जो बॉडी आपने इमर्स करी है उस पर कितना जी इफेक्टिव लगता है वो सबसे पहले हमको फाइंड करना आना चाहिए, और वो होता है जी इंटू 1-1 अपॉन स्मॉल आर। ये आपको याद कर लो, जहां पे R है क्या, R यहां पर है रिलेटिव डेंसिटी, जो है डेंसिटी ऑफ मटेरियल यानी बॉडी या बॉब अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो यहां पे मोस्टली वाटर या कोई लिक्विड हो सकता है। तो दो ध्यान रखने, ये आपका रो बॉडी अपॉन कितना रो लिक्विड, मोस्टली वाटर के रूप में, पर मान लो बदल दिया तो आप इस रूप में इसको काम में ले सकते हैं। अब ये बेसिक आपका फॉर्मूला है Z इफेक्टिव इक्वल टू Z इनटू 1-1 अपॉन R, क्लियर। अब देखो इससे अपन यूज करेंगे तो हमारे पास जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन गया T, वो हुआ देखो एक तो है एयर में तो T बराबर
टू पाई रूट एल बाई जी मिलेगा, और टी मीडियम में इंटर करने के पश्चात टी डैश कटूं उसको, वो है टू पाई रूट एल अपॉन ये जी, अब बन गया जी इन टू वन माइनस वन अपॉन आर। इस पे आपको काम करना आना चाहिए। अगर देखो इसको बदल दूं मैं यहां पर ही, तो ये टू पाई रूट एल बाई जी को मैं कर सकता हूं यहां पे टी टी बन गया, तो इसको अगर मैं यहां बदल दूं, ये तो आपने देख लिया, तो देखे ये बन गया आपका फॉर्मूला टी, और नीचे शेष रह गया ओनली रूट ऑफ वन माइनस वन अपॉन आर। ये अब ऐसे इस पे जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, आप या तो आर निकालना सीखो या इसको पुट करना सीखो, बस कितना ही खेल है। दो तरह से क्वेश्चन दोनों अपन यहां ले रखे हैं, एक में तो आपको आर फाइंड करना, एक में दे रखा है, उससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो जी, क्वेश्चन कह रहा है कि दोलक का घनत्व द्रव्य के घनत्व का आठ गुना है, तो आप इससे स्मॉल आर आप चेक कर सकते हो, स्मॉल आर कितना था, रो बॉडी अपॉन रो लिक्विड, ये 8 टाइम्स देगा, सीधे मिल वैल्यू मिल जाएगी आपको। इसलिए सीधा आपको यहां लिखा है कि जो दोलक है उसकी डेंसिटी कितनी है, 8 गुना होगी, तो ये रो बॉडी कैसी है, रो ये आपका 8 * रो एल अपॉन रो एल, ये से कैंसिल, तो हमारे पास स्मॉल आर कितना हो गया, 8 हो गया। अब आपका प्रॉब्लम तुरंत हो जाएगा 1 अपॉन 8, फिर 1 माइनस 1 अपॉन 8 कितना हो गया 7 बाई 8, तो रूट ऑफ 7 अपॉन रूट ऑफ 8 अपॉन 7 टी, बिल्कुल। तो अब मेनली सर क्या था, जैसे अब बच्चे जो है ना, मान लो इसको पहले कॉम्प्रेस कर लेते हैं, तो मेन आप बस अपना काम हुआ कि जी इफेक्टिव कैसे याद रखें, वो रखो 1 जी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन आर, इसको फिर कन्वर्ट करना सीख ले, वो काफी आपके काम आ जाएगा। आंसर कौन सा हो गया, 4। अब देखो इसी बेस पे मैं चाहूंगा कि सर आप इसमें क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन जैसे सर आप एक्सप्लेन करें इसको, इसको अपन इसी बेस पे कैसे करते हैं, या आपका कोई नई तरीका तरीका तो उसको भी आप नया तरीका, तो जी इफेक्टिव कैलकुलेट करने का है, जिसे हम थ्रस्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं, और जस्ट जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आप कैलकुलेट करें, मैं कैलकुलेट करूं, वही आएगा, फॉर्मूले को हम चेंज नहीं कर सकते। हां मेथड जी कैलकुलेट करने का तरीका आप चेंज कर सकते हैं, वो थ्रस्ट लगा सकते हैं, थ्रस्ट से भी कैलकुलेट करोगे तो भी सेम आंसर मिलेगा, और इस तरह की प्रॉब्लम में आपको बार बार थ्रस्ट में नहीं जाना, सीधे जी इफेक्टिव का फॉर्मूला आपको यूज लेना है, तो जी इफेक्टिव का फॉर्मूला जो सर ने बताया उसी फॉर्मूले को हम यूज कर ले, सीधे सीधे याद रखना फॉर्मूला, एक बार याद के लिए बार बार याद करने की जरूरत नहीं। आपेंगे जी 1 माइनस 1 अपॉन आर, आर इज रिलेटिव डेंसिटी, और रिलेटिव डेंसिटी क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपको लेना है, तो उस कंडीशन में यहां से जो मिला मुझे पूछा गया, आर की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू पुट करेंगे तो टाइम पीरियड जो मिला टी डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी मिला, उसको टी डैश इक्वल टू टी अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन आर, इन दोनों में रिलेशन आपको दे रखा, टी डैश की वैल्यू किसकी इक्वल दे रखी, ट्वाइस ऑफ टी की इक्वल दे रखी है, तो जैसे मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे यहां से जो मिलेगा ट्वाइस ऑफ टी, आप क्या बोलेंगे, आर रूट टू टी इज इक्वल्स टू टी अपॉन में आर रूट ऑफ क्या बोलेंगे आप, 1 माइनस 1 अपॉन आर, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वेयरिंग ऑफ बोथ साइड, जैसे आप स्क्वेयर करेंगे तो मुझे जो मिला है वो क्या बोलेंगे आप, लेंगे टी 1 अपॉन में क्या बोलेंगे आप, 1 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन आर, क्लियर, इसी को आप सॉल्व कर दे, तो सॉल्व करते मुझे जो मिलेगा, तो यहां से आप कहेंगे हमें जो मिला है, बिल्कुल मैं इसे आप हेल्प कर दूं, 1 माइनस 1 अपॉन आर, दोनों साथ चलते नहीं है, जगह का मैंने, तो यहां से आप कहेंगे 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में आप कहेंगे आर माइनस 1 अपॉन में आर, ऐसे कुछ आपको मिल गया, जैसे आप सॉल्व करेंगे आप कहेंगे 2 आर माइनस 2 इज इक्वल्स टू आर, दैट इज आर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 एंड आर इज इक्वल्स टू, हमें क्या मिला 2। अब देखिए रिलेटिव डेंसिटी आपको 2 मिल गई है, और रिलेटिव डेंसिटी जो आपको मिलती है वो क्या मिलती है, डेंसिटी ऑफ मेटल अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अभी सर ने बताया था फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपको कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो आप कहेंगे डेंसिटी ऑफ मेटल जो मिलेगा आर टाइम्स ऑफ 1 मिल जाएगा, आर की वैल्यू 2 है, तो आंसर हमें क्या मिल गया, 2 मिला, 2। तो सीधे फॉर्मूला भी हम यूज ले सकते हैं और थ्रस्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं जी। इसका आंसर हो गया सेकंड, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, यस। तो अब ये वैसे सर आप जैसे अपन मोस्टली काफी सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम काफी बच्चों के आती रहती है और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन अपने आप इंपॉर्टेंट चैप्टर नीट के लिए।
और इसमें क्या सारे जैसे आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वगैरह है, सब कुछ फ्लूइड वगैरह सब इसमें क्या मिक्स हो जाते हैं, एंटायर मैकेनिक्स आपको यहाँ पे अप्लाई करनी होती है और वहां से अच्छा गेम बनता है और अच्छी प्रॉब्लम भी बनती है। यस, तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। ये क्वेश्चन बेसिक है, ए सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट्स इन एयर। बहुत प्यारी प्रॉब्लम सर, बस इसका ही इसमें खेल है। ये तो वैक्यूम, वैक्यूम में तो क्या होता है, नो लॉस ऑफ एनर्जी। बिल्कुल, अब यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी होगा और ऐसे बन गया ये डैम्पिंग ऑसिलेटर, एक तरह से डैम्प्ड ऑसिलेशन का एग्जांपल आ गया। तो अब इसमें देखो क्वेश्चन आपका था कि एज द टाइम पासिस, समय गुजरता है तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात देखो सर, मैं इसमें ये जानता हूँ हल्के से कि हमने कहा कि जब एयर का इसमें रोल हो गया तो एनर्जी का लॉस होगा, रेजिस्टिव फोर्स आ गया ड्यू टू एयर, रेजिस्टिव फोर्स एनर्जी को कंटिन्यू लॉस करेगा करेगा करेगा। और एनर्जी का जो अपन कहते हैं टोटल, जो एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी जी, टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी हम लोग कहते हैं किसी सिंपल पेंडुलम करते हुए ऑसिलेट के, वो है आपका हाफ के ए स्क्वायर। क्लियर, अब इसमें क्वेश्चन आपका है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये बात बनेगी जी। अब लगातार कह रहा है कि इसमें अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी जब इसमें लॉस हुई तो एनर्जी के लॉस होने से एनर्जी टोटल घटेगी भी। बिल्कुल, अब एनर्जी घटने से क्या इफेक्ट होने वाला वो अपने को इसमें सोचना पड़ेगा, वो इसमें ऑप्शन के बेस पे आपको देखना पड़ेगा। तो कह रहा साहब कि टी और ए बोथ डिक्रीजेस, मास तो कांस्टेंट है, मास तो यहां पे कांस्टेंट रहेगा और डेफिनेट एनर्जी के लॉस होने पे इसमें ये आपका ए लॉस होगा, एक कम घटेगा, ये तो घटेगा घटेगा, ए घटेगा। अब ए घटेगा और चूंकि अब ये होगा स्लो, पेंडुलम स्लो है, लास्ट में इसको स्टॉप होना है। अब स्टॉप होना है तो इसका टाइम पीरियड बड़ा घट गया, टाइम पीरियड बढ़ गया इसका, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, एंड ए तो आपका घट रहा है, टी इंक्रीज होगा और टी आपका इंक्रीज हो रहा है और लास्ट में फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम इट विल स्टॉप, स्टॉप हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, टी बढ़ता और ए घटता है, तो आंसर इसका हो चुका है थर्ड ऑफ थर्ड। ठीक है जी, जी बढ़े आगे क्वेश्चन 47 पे आते हैं, तो सर आप इसमें हेल्प करें देखे। हाँ, ये भी प्यारी प्रॉब्लम है। यस, आ जाओ। अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल हैज द एनर्जी ई एंड एम्पलीट्यूड ए, द एनर्जी ऑफ द सिंपल पेंडुलम। दो कंडीशन में आपसे पूछा गया, व्हेन द लेंथ डबल बट सेम एम्पलीट्यूड, व्हेन द एम्पलीट्यूड इज डबल बट द सेम लेंथ आर रेस्पेक्टिवली। आप कहेंगे एनर्जी, तो एनर्जी यहाँ पे हम टोटल एनर्जी की बात कर लेते, कुछ नहीं बोला, तो टोटल एनर्जी देख लीजिए और आपको दे रखा ई इज इक्वल्स टू, हम क्या बोलेंगे, हाफ के ए स्क्वायर, के को चेंज कर दीजिएगा तो हमें मिलेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ऐसे कुछ मिल गया। तो इस कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन में एम्पलीट्यूड को चेंज नहीं किया, मास को चेंज नहीं किया, तो एनर्जी जो मुझे मिली इन फर्स्ट केस एनर्जी टू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का फॉर्मूला आप देखेंगे तो ओमेगा जो आपको मिलता है वो क्या मिलेगा, आप कहेंगे आर रूट जी बाई एल आपको मिलता है। बिल्कुल, तो यहां से हम कहेंगे रिलेशन जो मुझे मिला है डायरेक्टली प्लस टू वन अपॉन एल मिला, एल को मैंने डबल किया है तो ऑब्वियसली एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ हाफ हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन है तो यहां से इसको डबल करेंगे एनर्जी आपको हाफ होगी। फर्स्ट केस का आंसर में क्या हो जाएगा कि एनर्जी विल बी हाफ ई बाई टू हो जाएगी। अब इसी का आप सेकंड केस देखेंगे तो सेकंड केस में हम क्या बोलेंगे, आपने लेंथ को चेंज नहीं किया, एम्पलीट्यूड को चेंज किया, तो ई जो मिलेगा, ई का रिलेशन मिलेगा ई डैश इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। जैसे आप एम्पलीट्यूड को डबल करेंगे, एम्पलीट्यूड को आपने डबल किया, इस कंडीशन में एनर्जी विल बी फोर टाइम्स ऑफ अर्लियर वैल्यू। तो फर्स्ट केस में एनर्जी आपका हाफ हो गया और सेकेंड में फोर टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन हमें मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 48। तो ये अब अपन आ चुके हैं कहां पर, स्प्रिंग वाले में, और स्प्रिंग सिस्टम में ब्रीफ हल्का सा बता दो बच्चों को ताकि उनको फॉर्मूला याद रहे। तो उसमें जैसे अपन बात करें तो स्प्रिंग पेंडुलम जो है, मान लो एक वो स्प्रिंग थी नेचुरल लेंथ में, इसका फोर्स कॉन्स्टेंट के है और इसके साथ मैंने हॉरिजॉन्टल वे में कोई ब्लॉक मास एम का हैंग करा और इसको हल्का सा आप थोड़ा सा एक्स से कंप्रेस करें या इसको आप एक्सपेंड करके इसको रिलीज करेंगे छोड़ेंगे, ये ऑसिलेट करना शुरू करेगा और ये आप जानते हैं सिंपल एक आपका लीनियर एक्शन का एग्जांपल बन जाएगा जिसमें आपको एफ इक्वल टू माइनस के एक्स के अकॉर्डिंग वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पे के आपका होता है एम ओमेगा स्क्वायर, इन सबको अपन लेते हुए इसका टाइम पीरियड निकालेंगे तो वो आपका है टू पाई
रूट एम बाई आई के, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला से। हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला केवल भूल जाए तो टाइम, तो टाइम में एम ऊपर आएगा, कई बार क्या बच्चे गलती कर बैठते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम का प्रेशर भी तो रहता है ना। हाँ, उस समय एम ऊपर के नीचे उसका लफड़ा पता चलता नहीं है। अब यहाँ तो फिक्स हो चुका, टाइम वाले में एम ऊपर है और के आपका नीचे आ जाएगा। अब टी जो है एम पे कैसे डिपेंड कर रहा है, के पे कैसे डिपेंड कर रहा है, के आपको मालूम है स्प्रिंग के सॉफ्टनेस या हार्डनेस उस पे उससे रिलेटेड होता है। अगर हार्ड स्प्रिंग है उससे की ज्यादा होगा तो टी उसका कम हो जाएगा, सॉफ्ट होने उसका के का कम होगा तो उसका टी आपका बढ़िया अधिक हो जाएगा। मास को आप इंक्रीज करेंगे उसका भी रोल आपको यहाँ देखने मिल रहा है। अब देखो ये जो चीज है स्प्रिंग पेंडुलम में, ये जी पे डिपेंड नहीं कर रहा, खास बात क्या है इसकी, जी पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे स्प्रिंग वर्टिकल अरेंजमेंट में हो चाहे हॉरिजॉन्टल, बोथ द केसेस में इसका टी आपका जी से कंप्लीटली फ्री है। इसीलिए आप लोग पढ़ते हैं कि अगर हमें कहीं कोई मान लो मून पे है या कहीं आपका स्पेस वगैरह में है, आपको टाइम वॉच करना हो तो वहां पे अपन स्प्रिंग पेंडुलम पे बेस्ड ही क्लॉक को यूज कर रहे हैं। आजकल तो डिजिटल स्टार्ट हो गया, डिजिटल हो गया, इस तो सारी यही घड़ी यूज होती है। बिल्कुल, तो इस तरह से अपन आगे बढ़े इसमें। बिल्कुल, तो कुछ बातें अपन इसकी देखें और मोस्टली इसमें जब क्वेश्चन आगे करेंगे इसकी काफी क्वेश्चन अपन लिए तो और बातें भी अपने को यहाँ पर सीखने को मिल जाएंगी। तो अभी अपन करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट, कंप्लीट सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देखो सिंपल है कि ए मास कैपिटल एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास, स्प्रिंग तो मास लेस है उससे आपने एक कैपिटल मास को हैंग कर रखा है। द स्प्रिंग इज पुल्ड ए लिटिल एंड देन इट रिलीज सो दैट द मास एग्जीक्यूट्स एज सम ऑफ टाइम पीरियड टी। तो जो पहला केस है उसके अकॉर्डिंग तो इसका टी जो है वो बन गया 2 पाई रूट एम, मास कैपिटल एम दे रखा है अपॉन के, ये पहला इक्वेशन। अब आप कह रहे हैं इफ द मास इज इंक्रीज बाई स्मॉल एम, जो पहले था उसमें आपने स्मॉल एम ऐड कर दिया, ऐड कर दिया और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया, ऐसे में इसका टाइम पीरियड नया बन गया कितना 5t/3। अब ये तो ऐड करा और ये आपका न्यू टाइम पीरियड आपको दे दिया गया, तो टी डेज इसको मैं लिखूं तो बन गया ये 5t/3 दैट इज 2 पाई और ये हो गया आप देखो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाय के, ये आपका हो गया क्वेश्चन सेकंड। अब आपको क्वेश्चन पूछा क्या है स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, तो अपन यहाँ टी तो अपने काम का नहीं है, के भी हमारे काम का नहीं है, जैसे अपन डिवाइड करेंगे 2/1 करें तो 2/1 करते हैं हमारे पास 5/3 इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये बन गया देखो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम अपॉन में कैपिटल एम, इसको मैं यही लिखूं ऐसे देखो ये हो गया आपका 1 प्लस स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, कर दें जी बिल्कुल स्क्वायरिंग करें तो आपका हो गया 25/9 इज इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, जिसमें यदि इसको इधर ले आऊं माइनस कर दीजिएगा तो स्मॉल एम बाय कैपिटल एम इज इक्वल टू हो गया 25/9 -1 एलसीएम इसका 9 हुआ तो 25 - 9 यानी 16/9 16/9 आंसर भी हो चुका 16/9 फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट करेक्ट यस। तो ये भी बेसिक प्रॉब्लम है, सिंपल ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं तो इससे भी अपन बढ़े आगे। ऐसा एक क्वेश्चन आपका ये है तो सर आप इसमें देखें, आइए ये देखिए प्यारी प्रॉब्लम है। स्प्रिंग के केसेस में कई बार कंफ्यूजन जो रहता है हैंगिंग मास एंड रिमोट मास, तो टाइम पीरियड में कभी भी रिमोट मास नहीं आएगा, ओनली हैंगिंग मास आएगा, जितना हैंग कर रखा वही आएगा। बट जब आपको एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है, जरब कैलकुलेट करना है, स्प्रिंग में कंप्रेशन कैलकुलेट करना, तो रिमूविंग मास आ गया। इस चीज को ध्यान में रखना, बस इतना सा कंफ्यूजन इस प्रॉब्लम में होता है। तो यहाँ पर इन्होंने जो दे रखा है 3 masses 700 g 500 g एंड 400 g आर सस्पेंडेड एट द एंड ऑफ अ स्प्रिंग इज इन द सो एंड द इक्विलिब्रियम व्हेन द 700 मास इज रिमूव्ड। 700 को आपने रिमूव किया तो आपने कहा इसका काम तो मेरे पास रहा ही नहीं है। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा? हैंगिंग मास पे डिपेंड करेगा। जो हैंगिंग मास है उस पे टाइम पीरियड डिपेंड करेगा, कुछ मैंने चेंज किया ही नहीं। yes. तो यहां से हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड की जो फॉर्मूली अभी मिली थी हमें टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ क्या बोलेंगे एम अपॉन के बोलेंगे, के कॉन्स्टेंट है 2 पाई कॉन्स्टेंट है, तो टी का जो डिपेंडेंसी मिलेगी रूट एम पे मिलेगी, ऐसे कुछ मिल जाएगा। yes. तो इनिशियली आपने कहा हैंगिंग मास जो रहेगा वो कितना रह जाएगा 500 + 400 900 तो रिमेनिंग जो मास है हैंगिंग मास जो आपने का 400 g है, तो इस कंडीशन में आप कहेंगे टी डैश डैश प्लस टू हमें जो मिलेगा वो कितना मिल गया सर 400। इक्वेशन सेकंड, अब आपसे क्या देखकर पूछा गया है
कि इसका टाइम पीरियड जो दे रखा है वो 3 सेकंड दे रखा है, तो 500 को भी हटा दिया जाए, उस समय टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, नया टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे यहां से जो मिलेगा टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू रूट ऑफ, हमें जो मिला है 400 अपॉन 900। तो 400 अपॉन 900 को आप देखेंगे तो क्या मिला है, आप कहेंगे जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर दीजिएगा, इसका रूट ले लीजिएगा, रूट लेने पे मुझे मिला 2/3। इनिशियल टाइम क्या दे रखा है, टीका 3 सेकंड, 3 से 3 कैंसिल आउट कर देंगे तो हमें जो मिला है आप कहेंगे टी डैश बाई 3 इज इक्वल टू 2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, इसका टाइम पीरियड जो मिलेगा 2 सेकंड मिल जाएगा। ऑब्वियसली इसका मास कम हो रहा है तो टाइम पीरियड कम होगा और यहां से आपको मिला है 2 सेकंड। बिल्कुल, तो क्वेश्चन नंबर ने कर लिया 49। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 50। तो जैसे कि सर ने बात बोली थी, आपने ध्यान दिया नहीं दिया, सर ने बहुत काम की बात अभी कही आपको, देखो कि एक तो अपन करते हैं टाइम पीरियड 2 बाई m/k और एक इसका होता है एम्पलीट्यूड, वो है आपका एफ एक्स्ट्रा अपॉन के। सर ने भी कहा था कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, हैंगिंग मास पर, जिस समय आप उसको चेक कर रहे हो उस समय कितना मास है उस पर डिपेंड करेगा। और यहां जो आप एम्पलीट्यूड फाइंड करते हो ना, वहां पे आपने कोई फोर्स ऐड करा है या आपने कोई उसमें से रिमूव करा है, रिमूव या ऐड की गई जो एक्स्ट्रा फोर्स से ही हमेशा एम्पलीट्यूड कैलकुलेट होता है। जैसे एक क्वेश्चन शायद अपने यहां आगे है, उसको अपन पहले देख लें। एक क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन देखो आप, जी 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 बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 57। अब देखो यहां क्वेश्चन है कि टू मासेस m1 एंड m2 आर सस्पेंडेड टुगेदर बाय ए मासलेस स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट k, व्हेन द मासेस आर इन इक्विलिब्रियम, पहले बिल्कुल इक्विलिब्रियम है। अब आपसे बोला कि m1 इज रिमूव्ड विदाउट एनी डिस्टरबेंस डिस्टर्बिंग द सिस्टम, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज, तो पहले आप देखो सर यहाँ पे m1 m2 मास है, फोर्स यहाँ पे नीचे लग रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स से बैलेंस किए हुए, इक्विलिब्रियम आपने चेंज क्या किया, क्वेश्चन कर m1 को आपने धीरे से हटा लिया, तो आप ध्यान रखें यहाँ पे f एक्स्ट्रा एक्चुअली है क्या, एडेड वेट या आपने इसमें से रिमूव वेट, जो भी आपने बल में परिवर्तन करा ना वो आपको यहाँ लिख देना चाहिए। तो परिवर्तन आपने क्या m1 को हटाया, तो m1g फोर्स आपने कम कर दिया ना, तो हमारे पास इसका आंसर क्या जाना चाहिए, m1g अपॉन k आएगा। पर अब ये कुछ टाइम पीरियड सर, तो टाइम पीरियड तो कितना 2π, रिमेनिंग मास कौन सा है m2, तो t = 2π√m2 / k आ जाएगा। तो अब वो चीज इसमें आपको इस तरह से काम में लेने, तो शानदार, देखो बात बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगी अच्छी सी, तो मैंने बच्चों के बार उस क्वेश्चन, मुझे ध्यान था कि अपने क्वेश्चन लिया था, फिजिक्स में टीचर का हर वर्ड्स मीनिंगफुल होता है, बिल्कुल किस वर्ड से कौन सी प्रॉब्लम पूछी बनेगी क्या पूछा जाएगा कुछ कह नहीं सकते, बिल्कुल सर। तो अपन वापस पहुंच जाते हैं क्वेश्चन, जी तो क्वेश्चन ये है सिंपल सा, टू बॉडीज m एंड n ऑफ इक्वल मासेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम टू सेपरेट मासलेस स्प्रिंग्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट k1 एंड k2, इफ द टू बॉडीज ऑसिलेट वर्टिकली सच दैट देयर मैक्सिमम वेलोसिटीज आर इक्वल, तो आपको इसमें हिंट क्या दे रखा है, मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल मैक्सिमम फर्स्ट इज इक्वल्स टू वी मैक्सिमम सेकंड, ये दोनों आपको दे रखा है इक्वल, और उससे पहले आपको दे रखे हैं सेम मास दे रखे हैं, फोर कॉन्स्टेंट्स के सेम अलग दे रखे हैं, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड एम टू दैट ऑफ एन इज, तो बी मैक्सिमम सर होता है आपका ए ओमेगा और ये भी आपका ए ओमेगा, इसको मान लिया अपन a1, ये करते हैं अपन इसको a2, ये बन गया ओमेगा 1 और ओमेगा 2, और आपको पूछा क्या है m और n का एम्पलीट्यूड का रेशियो, तो a1 / a2 बन जाएगा आपका ओमेगा 2 / ओमेगा 1। अब ओमेगा आप जानते हो, जैसे ओमेगा अपन करें तो वो आपका रूट ऑफ k/m या m/k, k/m भी टाइम वाले में, टाइम वाले में m ऊपर आता है तो फ्रीक्वेंसी वाले में इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ये बच्चे बोले तो इसको आप याद कर सकते हो, टाइम पीरियड की फॉर्मूले से देखेंगे, हाँ, बच्चा देखिए, यस, तो अपने ओमेगा है वो रूट मास पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा सर, तो मास को के अलग-अलग है, इसमें मास सेम है, सेम है, मास सेम है,
तो के के हो गया आपका रूट के प्रोपोर्शनल के टू अपॉन के वन, के टू रूट ऑफ के टू बाई के वन, ये मिल गया आपको आंसर एक ही सेकेंड में। ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू रूट ऑफ के टू बाई के वन, तो सही आपका आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन। बढ़े नेक्स्ट में जी, क्वेश्चन नंबर 51। तो 51 में क्वेश्चन आपका है कि स्प्रिंग हैविंग ए स्प्रिंग कांस्टेंट के इज लोडेड विद ए मास स्मॉल m, द स्प्रिंग इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड वन ऑफ देम इज लोडेड अगेन विद द सेम मास, द न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट इज, तो नया स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे होगा। तो इसके लिए मैं एक सब नई चीज, नहीं तो क्या हो सकती है, नहीं तो कुछ होता ही नहीं है, सब वही दुनिया बच्चों के लिए तो नया हो सकता है सर, नया के लिए नया हो सकता है, हो सकता है। उसमें जैसे क्या होता है कि जैसे पर इसमें आपको मालूम है कि जैसे मान लो कोई स्प्रिंग है, अगर मान लो कोई स्प्रिंग ऐसे, तो इस स्प्रिंग का जो फोर्स कांस्टेंट है वो हमें मालूम है कि अपनी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मान लो मैंने इस स्प्रिंग को दो पार्ट्स में काट दिया, दो या मान लो अपने कितने भी इसके पार्ट कर दिए, ये मान लो इसका एल वन लेंथ है, इसका एल टू लेंथ है, इसका बन गया फोर्स कांस्टेंट के वन, इसको मान लो अपन के टू। अब एक्चुअली हमें क्या होता है, क्या है कि हमें जो इनिशियल स्प्रिंग उसका के आपको दिया होता है, हमें उसके लेंथ ना दे रखी हो तो भी उसके ऊपर एल इंजन कर सकते हैं। बिल्कुल। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आपको करना हो ना, तो सीधे आपको क्या करना चाहिए, आपको के वन निकालना, तो के वन अपॉन के करवा क्या आपको मालूम है, और लेंथ पे इस प्रकार डिपेंडेंसी थी तो के वन तो कितना आपका एल वन और ये आपका एल, एल मालूम है, अब एल वन ज्ञात करना सीखो बस, वो रेशियो दे रखा होता है उससे कुछ भी जो आपको एक हिंट दे रखा होता है उसको इसको निकाल लो, पुट कर दो, तुरंत आपका एक स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा। यदि आपको K2 निकालना होता तो K2 by K कर दो और ये होगा आपका L upon L, बस ये तरीका आपका काम में आना चाहिए। अब तुरंत क्वेश्चन को जो भी ऐसा क्वेश्चन आता है उसको आप टारगेट कर सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो इक्वल पार्ट में काट दिया, तो सर जैसे मान लो इसका K और इसके लेंथ L थी हमारे पास, तो दो इक्वल पार्ट करेंगे तो इसको तो K1 मान लिया अपने, इसे के2 मान लिया, L1 कितनी हुई, हाफ हो गई L by 2, ये भी हाफ, हाँ तो बस आपको कुछ नहीं करना, L by 2 ट्वाइस ऑफ K हो गया, डबल हो गया, यहां से आप देखेंगे जस्ट हाफ किया तो K जस्ट डबल हो गया और आंसर आई थिंक थर्ड ऑप्शन, थर्ड हो गया, थर्ड। अब जैसे मान लो कि मैंने इसको आपको बोला कि L1 और L2 को आपने 2:3 में काट दिया, अब इसमें भी आपको क्या निकालना नीचे L1, तो अगर मैं इसमें L1 फाइंड कर लूं तो L1 कितना देखो सर 2/5 इंटू L आ गया ना जी। अब डायरेक्ट बस इसी को पुट करना सीखो यहां पर, जैसे L1 आपने पुट किया तुरंत आप K मल्टीप्लाई के रूप में आपका K1 आ जाएगा। तो ये बहुत शॉर्ट में बस ये दिमाग में रखो इतनी सी पिक्चर, और फिर आप लेंथ को डिवाइड करके इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें। ठीक है सर, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन हो गया, और कोई बात इसमें, बिल्कुल हो गया, अच्छा बढ़े आगे जी। ओके सर, अब इसमें आप देखें इसमें क्या होना चाहिए, ये तो करेंगे, हाँ टोटल लेंथ रियल हो जाएगी, टोटल 3 मान लेते हैं, हाँ हो गया बस इसमें, तो अपन क्या लिखें इसको k2 upon k इक्वल टू टोटल लेंथ, टोटल लेंथ 3 है l टोटल दो बार, और ये इसकी मान लो l2, l2 फिर पुट कर दें हम, टोटल अब कितना आसान है, आप कैसे भी इसको घुमा सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी कोई नई बात नहीं हुई, तो सर ने बोला तुरंत कि 12 प्लस l3 कर दो, बहुत आसान काम हो गया ना, तो L हमारे टोटल कितनी होगी 3L, और ये L2 कितनी बने जो 2L, 2L हो गया प्रश्न आपका कितना 3/2 K, तो K2 इक्वल टू 3/2 K सेकंड आंसर हो गया सेकंड। ठीक है जी, तो अब आ गया अपन क्वेश्चन 53 पर, ये भी उसी टाइप का सारी प्रॉब्लम है, वो भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो यहां पर भी उसी तरह से अपन करें, देखो जैसे मान लो अपन देखें कि इफ ए स्प्रिंग हैज टाइम टू टी एंड इट कट इनटू इक्वल पार्ट्स n इक्वल पार्ट, तो मान लो हमारे पास ये कोई एक स्प्रिंग थी और इसका अपन ने n पार्ट्स में इसको अपन ने काट दिया, तो एक जो टुकड़ा हमारे पास आया इसकी जो स्प्रिंग की लेंथ कितनी l by n हो गई, बस क्वेश्चन हो गया आपका कि k डैश, ये मान लो k k डैश अपॉन k कर दिया मान लो, तो ये आपका l अपॉन l डैश, तो हमारे पास l तो कितनी l अपॉन l by n, तो n तो फिर चला गया n टाइम्स इंक्रीज, n टाइम्स हो गया, और वैसे आपसे पूछा टाइम पीरियड, तो कोई इशू नहीं है, टाइम पीरियड तो सर आप
देखें तो 2 पाई रूट एल बाई, सो जी में आ गया उसमें आपका एम बाई के, के और के हमारे पास के डेस कर दो इसको, तो के डेस बताओ कितना है, एन टाइम्स के हो गया, एन टाइम्स टाइम आपने कहा रूट एन टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ। देखो तो टी डेस हमारे पास आया देखो 2 पाई रूट एम बाई के डेस, के डेस तो वो है आपका एन के, या अब इसको अपन सेपरेट कर दें 2 पाई रूट एम बाई के और इसका 1 अपॉन रूट एन को मैं अलग कर दूं जी, ये टी की वैल्यू आ गई, टी हो गया तो टी अपॉन रूट एन एन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन वैसे वर्क पावर के आधार पे थोड़े से वहां से अपन ने थोड़े से लिए थे क्वेश्चन, हां पूछे जाते हैं यहां भी पूछे, हां बिल्कुल ये क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, इसलिए इसको लिया था अपने। तो सर इसको देखें आप, ये 2-3 क्वेश्चन लगातार ही हैं, आप इनमें करें हर चुकी जी जी। देखिएगा इफ अ स्प्रिंग एक्सटेंड बाय एक्स ऑन ए लोडिंग देन एनर्जी स्टोर्ड बाय स्प्रिंग इज, इफ टी इज द टेंशन इन द स्प्रिंग एंड के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। आप कहेंगे यहां से स्प्रिंग को एक्सटेंड किया एक्स से तो टेंशन आपको क्या मिल गया, टी मिल गया, तो टेंशन टी की वैल्यू जो मिलेगी ये स्प्रिंग फोर्स के इक्वल हो जाएगी, यस के एक्स हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर दूं तो मुझे मिलेगा टी अपॉन के मिल गया। अब एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी स्प्रिंग की जो स्टोर्ड एनर्जी मिलेगी यू इज इक्वल्स टू आप कहेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर, आप यहां पे एक्स की वैल्यू पुट कर दो और एक्स की वैल्यू पुट करते ही हमें जो मिलेगा टी बाई के का होल स्क्वायर। तो यहां से आपने सोल्व किया के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मिला मुझे टी स्क्वायर अपॉन टू के। आई थिंक इसका जो आंसर है सेकंड होना चाहिए, बिल्कुल टी स्क्वायर अपॉन टू के, टू के यस। तो बड़े आगे बिल्कुल बिल्कुल आ जाए, तो सर आप सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए 55। या ये भी अगेन वैसी प्रॉब्लम दे रखी है, द फोर्स कॉन्स्टेंट ऑफ टू स्प्रिंग के वन एंड के टू बोथ आर स्ट्रेस टिल देयर इलास्टिक एनर्जीज आर इक्वल, एनर्जीज इक्वल दे रखी है, इफ द स्ट्रेसिंग फोर्स आर एफ वन एंड एफ टू देन एफ वन रेशियो एफ टू, एफ वन और एफ टू का रेशियो पूछा है, एनर्जी आपको सेम दे रखी है तो एनर्जी जो मिलेगा यू आपको सेम दे रखा है, एनर्जी का फॉर्मूला एक्स की टर्म में भी राइट कर सकते हो, फोर्स की टर्म में भी राइट कर सकते हो। तो आपने कहा हम एनर्जी का फॉर्मूला अगर एक्स की टर्म में राइट कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा हाफ के एक्स स्क्वायर मिलेगा, इसी को अगर मैं फोर्स की टर्म में यूज करूंगा तो मुझे मिलेगा एफ स्क्वायर अपॉन टू के, क्योंकि एक्स की वैल्यू एफ अपॉन के पुट करेंगे दिस वन आपको मिल जाएगा। तो एनर्जी आपको क्या दे रही है इक्वल दे रखी है, दैट इज एफ स्क्वायर अपॉन टू के क्या मिलेगा आपको कॉन्स्टेंट मिल जाएगा, सेम मिल जाएगा। यहां से जो मुझे रिलेशन मिलेगा फोर्स का तो F is next plus 2 R root K मिल जाएगा, बिल्कुल। और रेशियो जो हमें पूछा है F1 रेशियो F2 तो आपको क्या मिलेगा R root of K1 रेशियो K2, तो F1 upon F2 का रेशियो जो मिलेगा R root of K1 रेशियो K2 आपको मिल जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा। आ जाएं सर इसको भी देखें, हाँ ये भी अगेन प्यारी प्रॉब्लम है, अ बॉडी ऑफ मास 20 ग्राम कनेक्टेड टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 5/5 हर्ट्ज, द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज, आप कहेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो फ्रीक्वेंसी जो आपको मिलेगी आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू हमें जो मिला 1 अपॉन 2 पाई आर रूट ऑफ के बाई एम, जस्ट इनवर्स हो जाएगा किसका टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड का फॉर्मूला मुझे पता था फ्रीक्वेंसी का याद करने की जरूरत नहीं, उसका जस्ट इनवर्स कर दीजिए, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको दे रखी है 5 अपॉन पाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई आर रूट ऑफ, मास की वैल्यू गिवन है के आपको कैलकुलेट करना तो के तो मुझे कैलकुलेट करना और मास आपको क्या देगा 20 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में हम कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा 20 × 10⁻³ किलोग्राम, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर भेजेंगे इसका 10 हो जाएगा, तो ये जो मुझे मिला है आप 10 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ K upon 20 × 10⁻³ is carrying up both sides, 100 is equals to K upon में 20 × 10⁻³, तो K की वैल्यू जो आपको मिलेगी हमें जो मिल जाएगा 2 न्यूटन पर मीटर, 2 न्यूटन पर मीटर आपको स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज थर्ड ऑप्शन।
जी सर बढ़े आगे जी ये बनी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया पहले ये तो हुई गया अपना कंटिन्यू करते हैं या गया क्वेश्चन हाँ ये भी प्यारी प्रॉब्लम है बिल्कुल अ मैन वेइंग 60 किलोग्राम स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म ऑफ स्प्रिंग बैलेंस द प्लेटफॉर्म स्टार्ट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन एम्पलीट्यूड 0.1 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी 2/5 हर्ट्ज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अब देखिएगा सिंपली हम किसी वेइंग मशीन पे खड़े हैं जब हम खड़े होंगे उस समय उसकी रीडिंग कांस्टेंट नहीं मिलेगी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी कुछ समय बाद आपको रीडिंग जो मिलती है वो कांस्टेंट हो जाती है तो हम कहेंगे ये ऑसिलेट करेगा और ऑसिलेट करेगा तो यहाँ पे एक स्यूडो फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा और स्यूडो फोर्स का जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन हम कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन हम कहीं भी कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन जो हमें मिलता है ए मैक्स इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए मिल जाएगा ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी मिल सकता है पोजीशन पे डिपेंड करेगा एक्सट्रीम पोजीशन आपने का अपवर्ड वाली है या डाउनवर्ड वाली yes, yes. तो यहाँ से ए मैक्सिमम मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ए मैक्सिमम कैलकुलेट करते जी इफेक्टिव आ जाएगा तो ए मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ओमेगा मिल जाएगा ए आपको दे रखा है तो ए मैक्स की वैल्यू जो हमें मिलेगी ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं और ओमेगा की वैल्यू जो आपको पुट करेंगे तो 2πf f की वैल्यू आई थिंक आपको दे रखा है 2/π का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.1 आपको दे रखा है तो पाई से पाई कैंसिल होगा 4 का स्क्वायर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे आप लेंगे 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक एडिशनल एक्सीलरेशन मिलेगा ड्यू टू स्यूडो फोर्स तो हम कहेंगे यहां पे जो वैल्यू मिलेगी वेट जो मिलेगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग मिलेगा और उस कंडीशन में थोड़ा सा पेज अपन खाली कर दे तो बच्चों को अच्छे से समझा देंगे आप कहेंगे वेट जो आपको मिलेगा नॉर्मल डिक्शन के इक्वल या फिर आप डब्ल्यू ले लीजिए इसको तो वेट इज इक्वल्स टू आपेंगे एम जी प्लस माइनस ए आपको मिल जाएगा एक बार प्लस कर दीजिए एक बार माइनस कर दीजिएगा तो डब्ल्यू डैश इज इक्वल्स टू एम जी प्लस ए कर दीजिएगा एंड डब्ल्यू डबल डैश इज इक्वल्स टू एम जी माइनस ए कर दीजिएगा जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने पे मुझे आई थिंक क्या मिला है एम की वैल्यू 60 kg दे रखा है वो वेट दे रखा है तो अगर मास में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 60 kg में 6 kg मिल जाएगा आपको yes. अगर मास में कन्वर्ट करेंगे तो यहां से जो मिलेगा 6 मल्टीप्लाई आपेंगे 10 plus 1.6 और ये वैल्यू जो आपको मिली अप्रोक्स इक्वल्स टू 70 किलोग्राम वेट मिलेगी दूसरी वैल्यू आप यहां से देखेंगे माइनस वाले में डब्ल्यू डैश का डबल डैश का तो हम कहेंगे 6g माइनस 1.6 तो ये वैल्यू जो आपको मिलेगी वो आप कहेंगे अप्रॉक्स 50 किलोग्राम वेट आपको मिल जाएगी तो इसकी रीडिंग इंक्रीज और डिक्रीज होगी डिक्रीज होगी अप टू 50 और इंक्रीज होगी अप टू 70 अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग बिल्कुल तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है द स्प्रिंग बैलेंस रीड द वेट ऑफ मैन 60 kg ऐसा नहीं होगा द स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग फ्लक्चुएट बिटवीन 60 एंड 70 आप कहेंगे ऐसा हो सकता है द स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग फ्लक्चुएट बिटवीन 50 एंड 60 ऐसा भी हो सकता है The spring balance reading fluctuate between 50 to 70 is correct answer. ये आपने कहा दोनों साथ में दे रखा increasing और decreasing दोनों साथ में दे रखा तो reading fluctuate करेगी 50 to 70 के बीच में ऐसे कुछ आपको मिल जाना चाहिए इसका आंसर सर नेक्स्ट देखते हैं बिल्कुल 50 to 70 इसका वेट है वो वेरी करेगा ये भी एक बहुत शानदार प्रॉब्लम है कि किस तरह से इसमें वेट आपका टाइम के साथ इसकी पोजिशन साथ वेरी करेगा तो शुडो फोर्स का इसमें रोल आपका रहेगा तो आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी क्वेश्चन कुछ बहुत बेसिक से क्वेश्चन है तो यहां तो आप देखें तो ये एक तरह से कॉम्बिनेशन हो गया स्प्रिंग्स का और कौन सा कॉम्बिनेशन लग रहा है सर ये पैडल कॉम्बिनेशन सर तो पैडल कॉम्बिनेशन है तो उसमें आपका फोर्स कॉन्स्टेंट अपन निकालेंगे तो कितना होगा K1 प्लस K2 हो जाएगा तो ऐसे में तो कोई बड़ी इसमें समस्या लगी नहीं है पैडल का सीधे फॉर्मूला बच्चे को √m/k तो K2 मिल जाएगा फोर्थ ऑप्शन इसका हो जाएगा नेक्स्ट वीक ऐसे पैडल लिए पहले कॉम्बिनेशन दे रहेगा और के इफेक्टिव पूछा आपसे अब जैसे मान लो इसको मैं यहां कर दूं फिक्स और यहां से इसको हल्का सा एक्स से करता हूं एक्सपेंड तो दोनों सेम एक्स एक्सपेंड होंगे जी और ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पर दोनों स्प्रिंग एक साथ एक ही तरह से मान लो यहां पे डिस्प्लेस होती हो दोनों का आपका एक्सप्रेशन या कंप्रेशन कैसा सेम हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं पैडल कॉम्बिनेशन यहां पर भी कितना K1 प्लस K2 ही आपका बन जाएगा फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 ये आपका है सीरीज कॉम्बिनेशन तो इसमें भी आपका कितना जैसे सीरीज में आपका होता है K1 into K2 by K1 plus K2 तो
तो उससे भी आप इसको पुट करेंगे तो ये देखो हमारा टी बराबर टू पाई रूट एम बाई के इक्वलेंट। अब ये जैसे आपका रेजिस्टेंस के एक तरह से जो था ना पैरेलल उसके इक्वलेंट होता है तो यहां पर लिखिए वन अपॉन के इक्वलेंट इक्वल टू वन अपॉन के वन प्लस वन अपॉन के टू। अब इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसका एलसीएम कितना होगा सर के वन इंटू के टू के टू, ये आपका हो गया के टू प्लस के वन और इसको उल्टा कर देंगे तो हमारे पास कितना के वन इंटू के टू बाई के टू प्लस के वन आ जाएगा। तो आपका पूछा हमें इसमें फ्रीक्वेंसी टी का इन्वर्स कर दो, यस टी का इन्वर्स कर दो तो फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू वन अपॉन टू बाई रूट फ्रीक्वेंसी में के आपका ऊपर आएगा अपॉन एम। अब के क्या था के वन इंटू के टू अपॉन के वन प्लस के टू, इसको रिप्लेस कर दो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, फोर्थ इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 62 पर, तो 62 में देखो क्वेश्चन आप वो भी क्या स्प्रिंग की भी कॉम्बिनेशन को यहां पर एक्स से करते हो दाएं तरफ विस्थापित करोगे तो इस वाला स्प्रिंग फोर्स कैसा है इस तरफ और ये हो चुकी है एक्सपेंड इसका भी स्प्रिंग फोर्स इस तरफ तो दोनों स्प्रिंग देखो दोनों स्प्रिंग सेम एक्स से हो रही है एक्सपेंड या मान लो कंप्रेस हो रही है पर दोनों की जो स्प्रिंग फोर्स कैसे हैं सेम डायरेक्शन में है ये भी आपका कौन सा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ही होगा जी जी। और ऐसे में अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है इसका k2 है तो यहां पर भी k इक्विवेलेंट कितना होगा k1 प्लस k2 ये 2 और ये हमको दे रखा है ये हमको दे रखा है 8 + 2 10 और 10 ये आपके हो गए 10 तो 10 न्यूटन पर मीटर इसका आपका फर्स्ट कांस्टेंट इक्विवेलेंट। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये भी पिंड को जैसे कह रहा था स्प्रिंग कांस्टेंट आर दिस If the body is displaced along the direction of length of the springs and released the tempered, आपको tempered निकालना है, कोई इश्यू नहीं है। तो देखो T equal to होता आपका 2 pi root of m by k। m by k। mass कितना है सर? 0.4 kg। 0.4 upon k कितना हो गया? 10। इसको डालने पर? जी 100। 100। तो 4 upon 100 2 by 10। 2 by तो 2 pi into हो गया 2 by 10। 10। तो इसको देखो ये हो गया आपका 2/10.45 ये आपका सेकंड ऑप्शन होगा। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा जी। ये भी कैसा कॉम्बिनेशन है? ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो यहां पर भी कोई इश्यू नहीं था। और स्प्रिंग कैसे दोनों सेम हैं कि अलग अलग? सेम है, रखिए इसका भी इधर रखा है इधर रखा है। और आपको देखो पहले पेपर ने सर अभी बात करी थी हम लोगों ने यहाँ पे जी पे डिपेंड नहीं करता। हाँ स्प्रिंग पेंडुलम तो जी पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा, इसलिए इसको किसी भी वे में आपने इसको हॉरिजॉन्टल रखो इसको वर्टिकल रखो थीटा एंगल पे रखो इसको लिक्विड में ले जाओ मून सरफेस में ले जाओ सैटेलाइट में ले जाओ कहीं भी ले जाओ इसका वैल्यू जी पे डिपेंड नहीं करेगा टाइम पे वैसे ही रहेगा। इसका भी के कितना आएगा? 2 के आएगा। 2 के आएगा तो 2 के होने पर इसका आपको पूछा टाइम पीरियड तो फर्स्ट ऑप्शन बाय 2 के इसका भी आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 64 में। के इक्विवेलेंट पूछा है, कैलकुलेट पूछा है तो ये आपके हो गया पैरेलल K1 एंड K2 तो ये हो गया आपका 2K1 ये हो गया सीरीज तो इसका मतलब 1 अपॉन 2K1 प्लस 1 अपॉन K2 ये हो गया आपका 1 अपॉन K इक्विवेलेंट जी। यहां पे जस्ट इन्वर्स कर दो बस इन्वर्स के रूप में है किस रूप पूछा अपन से तो अगर मैं इसमें कहता हूं कि K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इसको ऊपर लाएंगे अपन तो इसको यहीं रखें ऐसे 1 अपॉन 2K1 प्लस 1 अपॉन K2 इन्वर्स और इस आपका जो आंसर इस रूप में चाह रहा है इन्वर्स फॉर्म में दे रखा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना है बिल्कुल बिल्कुल। तो फर्स्ट 1 अपॉन 2k1 प्लस 1 अपॉन k2 इन्वर्स की ध्यान रखें माइनस ई इन्वर्स कर रखा है जी 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 इसलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अब आया अपन क्वेश्चन नंबर 65 या ये प्यारी प्रॉब्लम है। अब देखो जो क्वेश्चन अभी अपन पीछे काफी सारे थोड़े से जल्दी में अपन लेके आए हैं सर जी जी तो इसके पीछे रीजन था क्योंकि जैसे इसमें जितनी भी ये प्रॉब्लम आती है आपकी अपने पूरे फिजिक्स में जैसे उनको याद करना हो तो KPCLRT और भी चीजें हैं जिसको अपन यहां पे समाहित कर सकते हैं। अपने पूरे फिजिक्स में जो कॉम्बिनेशन है मोस्ट ऑफ ये 6 हैं। एक तो अपन कहते हैं इसको कपिल करोड़पति और लालू राबड़ी का पति जी जी नेचुरली है तो हाँ बिल्कुल और उनका पुत्र भी है तेजस्वी जो अभी कुछ दिनों पहले वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और ये तीन आपके होते हैं जिसमें सबसे इजी जो बच्चा अपने सिक्स क्लास से स्टार्ट करता है वो करता है रेजिस्टेंस को
जी, और ये बच्चों में सबको याद रहता है। खूब सारे प्रॉब्लम बच्चे बनाते हैं, बच्चे बनाते हैं, उनको क्या दिमाग में कूट कूट की चीज भरी होती है, रेजिस्टेंस किस ऑर्डर में होते हैं, कैसे उनका इक्विवेलेंट निकालना होता है। तो हमको ये मालूम है कि सीरीज में आर एस कितना होता है, R1 plus R2 plus R3 और ये आपका जो पैरेलल होता है तो 1/R अपन करते हैं, P is equal to 1/R1 plus 1/R2 इस तरह से बनेंगे। अब ये इसको याद रखो बस, ये बच्चे को याद है, याद ये याद है ये अच्छे से, इसलिए मैंने इसको उठाया यहीं से ही है। अब रहा कौन सा, जो नीट का बच्चा है उसको सब चाहिए। एक आपका है टी, L यहाँ पे है सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस मिल जाएगा, उसका भी इसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग चलेगा। अच्छा, ये टी वाली बात अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब आते हैं पीछे, यहाँ पर के यहाँ पे है स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट, पी है यहाँ पे पावर ऑफ बल्ब, और सी यहाँ पे है कैपेसिटेंस। अब इन तीनों का जो सीरीज है, इन तीनों का जो पैरेलल है वो सेम सेंस में है, इनका जस्ट उल्टा है, इनका इनवर्स हो जाएगा, जस्ट उल्टा है। यानी अगर बात करते हैं कि सीरीज में आपको के निकालना हो तो कितना ये वाला रेजिस्टेंस का पैरेलल, 1/k वाला अपन यूज कर लेंगे, और इनको पैरेलल निकालना हो तो आपका कितना k वाला का हो जाएगा। ऐसे जो पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब है उनको अपन निकालते हैं या कैपेसिटेंस का अपन निकालते हैं, वो सारा केस इसमें हो जाएगा। यानी मैं एक तो बच्चों के लिए नोट करता हूं, जैसे मान लो k की अपन बात कर रहे थे, तो अगर आपको k सीरीज निकालना है तो उल्टा इस रूप में है ना, तो 1/KS इक्वल टू हो गया आपका 1/K1 plus 1/K2। यदि आपको निकालना है किसमें, पैरेलल में, तो ये KP is equal to क्या हो जाएगा आपका K1 plus K2 बन गया, कोई इशू नहीं। अब देखो जो T आता है, आपने कई क्वेश्चन से पढ़े हैं जो अपन बात करते हैं उसमें थर्मल इफेक्ट ऑफ जो करंट वाला, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे देखते हैं, टाइम कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल को भी एक बार सीरीज में कनेक्ट करते हैं, एक बार पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, वो भी जस्ट ये यहां से टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। तो टाइम जैसे आपको कहे कि जैसे मान लो हमारे पास दो हीटर हैं, उसकी दो कॉइल्स हैं, एक कॉइल फर्स्ट है, एक कॉइल है आपकी सेकंड, इस कॉइल से अपने किसी वाटर का अमाउंट था उसको अपने बॉइल करा, मान लो उसमें टाइम लगा उसको T1 = 3 मिनट, और इसको अपने यूज किया सेपरेट और मान लो टाइम लगा कितना 6 मिनट, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। जी जी, यानी फर्स्ट हीटर को आप यूज कर रहे हो सेम मास के अमाउंट को, मान लो पानी को आपने बॉइल करना है, टाइम वहां कंज्यूम हो रहा है आपका 3 मिनट, और इसमें कितना हो रहा है आपका 6 मिनट। अब क्वेश्चन आता है कि अगर उन दोनों को जोड़े सीरीज में या पैरेलल में, हाँ उस वहां में टाइम कितना बचा कर लेगा, हाँ। चाय कितने टाइम में बनेगी, पानी कितने टाइम में बॉइल होगा, बिल्कुल। तो वहां पे कंफ्यूज होना नहीं, सर ने जो कंसेप्ट बताया ना कि सिर्फ एक चीज याद करने से हम फिजिक्स के जितने भी वेरिएबल पैरामीटर है उनको हम कर सकते हैं, तो कंफ्यूजन भी आपका यहाँ पे मिनिमाइज हो गया, यहाँ पे जो आपका एफर्ट है वो मिनिमाइज है, और रिजल्ट जो मिलेगा वो अच्छा वाला मिल जाएगा, अच्छा वाला मिल जाएगा, सारे पैरामीटर आपको एक साथ मिलेंगे, एक साथ मिल गए। बहुत अच्छी ट्रिक्स है, इसको आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांस रहते हैं, तो इलेक्ट्रिक केटल है अलग अलग बॉइल करते इतना इतना सेकंड लगता है, दोनों को अगर सीरीज में कनेक्ट कर देंगे या पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे उसमें टाइम कितना लगेगा, ये प्रॉब्लम पूछी गई है, बिल्कुल नीट की प्रॉब्लम पूछी गई है। तो अब ये बिल्कुल अब एक आधार बन गया बच्चे के लिए, उसको याद रखने में कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। दोनों को आप जोड़ते हैं सीरीज में तो टाइम कितना लगना है 9 मिनट, T1 plus T2 हो जाएगा, हाँ। और दूसरा अगर आप जोड़ते हैं पैरेलल तो 1/T तो कितना 2 सेकंड, 2 मिनट हो गया, 2 मिनट हो जाएगा पैरेलल में, 6 × 3/6 + 3 9 2 मिनट लगने वाले, 2 मिनट यानी पैरेलल में टाइम कम कंज्यूम होगा, सीरीज में ज्यादा, वो सब खेल किस पे है, रेजिस्टेंस के बढ़ने का होगा, सिर्फ रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसको बच्चे आराम से काम में ले सकते हैं। अब अपन आगे हैं क्वेश्चन 65 पर, तो ये क्वेश्चन आपका है ए रिंग इज ऑसिलेटिंग अबाउट ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासेस थ्रू द इट्स रिम डिटरमाइन इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो इसमें एक तो बहुत ही ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हमने बिना किसी बदलाव के इसको इसी रूप में आपके सामने दिया है। अब इसमें कंफ्यूजन क्या, देखो रिंग की पोजीशन पता नहीं, पोजीशन जो एक्सिस जिसके अबाउट ये रोटेट कर रही है वो हमें मालूम नहीं है, उसका हल्का सा सिंबल दे रखा है परंतु पर्टिकुलरली किस प्रकार से भी वो आपको दे रखा नहीं है। जैसे मान लो हमारे पास कोई ये एक रिंग है, इस रिंग को अपन सस्पेंड करते हैं इसकी रिम से, उसके दो वे हो सकते हैं, या तो इस फॉर्म में, या मैं इसको यू मान लो यहां से एक पॉइंट लेकर के इसके अबाउट इसको ऑसिलेट के लिए फ्री कर दूं, ये दो मेरे पास इसकी संभावनाएं बनती है, ये है या फिर ये है। अब जो भी हो हमें तो अब इसको करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आ गया तो हम दोनों चेक करेंगे, दोनों ऑप्शन आएंगे तो फिर अपन क्या करें, मान लो आप दोनों सोल्व कर लिया दोनों ऑप्शन आगे, ऐसा संभव होगा नहीं, होगा तो वहां पर फिर क्वेश्चन में आपको फिर लैंग्वेज आपको आइडेंटिफाई करेंगे। अब इसको अपन सर कैसे बोलेंगे, ये कैसे एक्सेस हो गई,
ये स्पर्श रेखा करना स्पर्श रेखा टेंजेंशियल होगी इसकी टेंजेंशियल और ये कैसे इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर होगी ये ऐसे दिखाएगा जी। अब इसके बाद इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, आप चेक करते आराम से। मान लो इससे अपन चेक करते हैं तो टैन पीरियड का जो फॉर्मूला आपका होता है 2 पाई रूट आई अपॉन एमजीएल, इससे आपका शॉर्ट से आंसर आ जाएगा। तो क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं बच्चे रिंग का? हां बिल्कुल। अब देखो इसमें आई मैन है समझना, आई क्या है जिस एक्स के अबाउट आपने इसको फिक्स करना है, इसके अबाउट इसका आई लेना है और एल यहां पर क्या है, एल यहां पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और जो इसका सेंटर मास है उसके बीच की डिस्टेंस। तो जैसे इसको अपन सॉल्व करें सर तो हमारे पास इसकी वैल्यू 2 पाई और रूट ऑफ आई की वैल्यू 2 हमें आ रहा है। आई कितना देखो इसके अबाउट निकला तो ये आपका है आपके एक्सिस से सेंटर मास से पास नहीं हो रही है तो ये दिस प्लस दिस mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर तो mr स्क्वायर हो गया जी। तो ये होगा देखो अपना 2 mr स्क्वायर अपॉन m, तो मान लो m ही है g तो अपन जानते ही हैं और l कितनी होगी r के इक्वल हो जाएगा, r हो गया कैंसिल आउट कर दिया तो हमें मिला है 2 पाई mr अपॉन g, तो 2 पाई 2 r अपॉन g हो गया, ये आंसर मिल गया आपको। तो आंसर हो गया आपका सेकंड सेकंड हो गया। अब ये जो फार्मूला इसमें एक और फॉर्मूला भी अपन यूज करते हैं एल इफेक्टिव निकाल के तो लेंथ ही पड़ता है इससे शॉर्ट रहेगा बच्चों के लिए इजी क्योंकि बच्चा आई को इजीली कैलकुलेट कर सकता है रेडियस ऑफ कैलेशन के चक्कर में फंसेगा तो हो सकता है वहां पे मिस्टेक हो सकती है मिस्टेक हो जाती है इसलिए मैंने उसे बड़ा लेंथ के बाद मिस्टेक होने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सिंपल ध्यान रखना कि आई यहां पे क्या है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बिंदु हां आईएस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और स्मॉल एल यहां पे है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस। और अगर आप इसका यूज करोगे तो यहां तो दिस प्लस दिस अभी कितना है m mr / 2 प्लस mr / 3/2 mr / इसको भी आप लिख देना तो 3/2 mr / अपॉन बाकी तो सेम ही है mgl उस वाले में आपका आता 2 पाई रूट 3 r / 2g टू जाता और वो ऑप्शन ऐसा है ही नहीं ऑप्शन नहीं लिखा है इसलिए हमने इस क्वेश्चन में बदला नहीं था। हाँ ये कह सकते हैं इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज इनकम्प्लीट सी है ना इनकम्प्लीट कई बार नीट में होता है कि थोड़ी सी लैंग्वेज वो आपको कम दे वहां पे अपने आपको माइंड से सोचना होगा कि क्या करना है मुझे। अब इसको अपन क्लेम भी नहीं कर सकते हाँ क्लेम नहीं कर सकते बिल्कुल क्लेम नहीं कर सकते हाँ। इसलिए हमने इसी बोर्ड में इस क्वेश्चन को जी ध्यान से समझा तो बढ़ाएंगे सर आगे जी बिल्कुल ओके। तो अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 66 में तो ये भी अब स्फीयर है तो उसको भी अपन वैसे कर सकते हैं। तो ये कह रहा है स्फीयर इज मेड टू ऑसिलेट अबाउट ए हॉरिजॉन्टल टेंजेंशियल एक्सिस तो हम देखो इसको बनाएं तो ये आपका हो गया स्फीयर और कुछ लिखा नहीं है तो आपको इसको मानना कैसा लिखा भी है सॉलिड नहीं लिखा लिखा भी नहीं है ये भी सॉलिड नहीं बोला तो सॉलिड या लो और इसको अपन ने इसके टेंजेंशियली अभी तो सारी टेंजेंशियल इसकी तो कहीं भी देखो टेंजेंशियल ही मिलेगा और इसके बाद आपको आई देखना है तो ये आपका टी हो गया 2 पाई r √ आई अपॉन mgl तो सर इसको कर दो आप बिल्कुल आई की वैल्यू इस एक्सिस के अबाउट हमें पहले से पता है कितनी मिलती है भाई बोलो बोलो हाँ ऐसे कुछ मिलेगी ना आपको आई वैल्यू क्या बोलेंगे 7/5 7/5 एम आर स्क्वायर अपॉन में एम जी एल एल किसके इक्वल हो जाएगा आर के इक्वल हो जाएगा आर से आर कैंसिल और एम से एम कैंसिल और तो हमें क्या मिलेगा इज इक्वल टू 2 पाई 7r/5g फर्स्ट आंसर जी। तो बहुत शॉर्ट हो जाएगा इसे जल्दी बच्चे कर लेंगे बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा तो बच्चे आपके का विद इन 30 सेकंड में आंसर आता है यस यस। और ऐसा क्वेश्चन ये होगा देखो इसमें हल्का सा एक डिफरेंस ये है दिस इज मेड टू ऑसिलेट अबाउट ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ इट्स रेडियस यानी इसमें देखो ये मान लो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को चेंज कर दिया हां जी अब यहां तो सॉलिड पर हमने इसको कहां से सस्पेंड कर रखा है इसके रेडियस के मिड पॉइंट से यहां से इसको अपन ने कर रखा है सस्पेंड जी। अब इसके अबाउट आपको तो हुआ कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे ये इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये इसका सेंट्रल मास तो इसकी एल जो स्मॉल एल है वो कितनी होगी आर बाई टू हो जाएगी बाकी अब इसके अबाउट भी आपको आई देखना पड़ेगा मोमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बच्चों ने पहले से कैलकुलेट किया हाँ। तो ये आपको हो गया एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस इसका मैं पहले निकाल दूं आई एस इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस प्लस एम आर स्क्वायर बाई एम और ये डिस्टेंस कितनी एल आर बाई टू तो इसका हो गया आर स्क्वायर बाई फोर फोर अभी पाव प्लस आधा मतलब 3 पाव यानी 3/4 mr2 क्लियर। अब सर इसका आंसर निकाल दो आप आंसर तो मिल ही जाएगा सर देख लीजिएगा फार्मूला बता रखा बच्चों को 2 पाई r ऑफ is अपॉन mgl is की वैल्यू मुझे मिली थी 3/4 mr2 अपॉन में mgl l की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर रखी है r / 2
आर से आर कैंसिल आउट, एम से एम कैंसिल आउट, अब कहेंगे यहां से मिलेगा 3/2, तो यहां से मिलेगा 2πr√ ये जो मिला 3r/2g, 3r/2g फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ नहीं नहीं 3r/2g थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन 3r/2g थर्ड ऑप्शन। ओके तो देखो सारा सीक्वेंस उस तरह से ही है, तो बस मेन काम है कि L इफेक्टिव को चेक करना और उसका I फाइंड करना, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट कितना कर लेंगे तो क्वेश्चन आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस का गेम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे हम क्वेश्चन 68 पे, वो भी ऐसा क्वेश्चन है, तो यहां पर भी हमसे क्या पूछा है, यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ 1 मीटर, ये आपको दे दिया रोड का लेंथ, लेंथ 1 मीटर इज सस्पेंडेड थ्रू एन एंड, कोई दिक्कत नहीं भी, इसको अपने किसी एक एंड से सस्पेंड कर रखा, सस्पेंड कर रखा है, यहां से करा सस्पेंड इसको, और ऐसे में ये इसका सेंट्रल मास, इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, तो इसकी एल जो हमारे पास एल बाय टू, और अपन जानते हैं इसके अबाउट आई तो कितना होता है एमएल स्क्वायर बाय 3, बस और वैल्यू पुट करते आई थिंक जो आंसर मिलेगा आपको टी इज इक्वल्स टू 2πr√ आई, आई की वैल्यू एमएल स्क्वायर बाय 3 अपॉन एमजी एल बाय 2, एल से एल कैंसिल आउट, एम से एम कैंसिल आउट, हमें जो मिला टी इज इक्वल्स टू 2πr√2 L अपॉन 3g। अब L की वैल्यू क्या दे रखी है 1 मीटर दे रखी है, g की वैल्यू आपने कहा 30 हो जाएगी, रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा 15 हो जाएगा, अपेंगे 2π अपॉन में r√ 15 सेकंड, ये आंसर आपको मिलना चाहिए। तो आपका आंसर आ गया फोर्थ, फोर्थ ऑप्शन। तो नेक्स्ट जी क्वेश्चन आपका 69, तो 69 में देखें क्वेश्चन वापिस उस तरह से क्वेश्चन है, देखो ये कह रहा है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल इज t1 एंड टाइम पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म रोड ऑफ सेम लेंथ एल पिवोटेड अबाउट वन एंड एंड ऑसिलेटिंग इन ए वर्टिकल प्लेन इज t2। अभी अपन ने क्वेश्चन किया है, बिल्कुल दोनों फॉर्मूले को डिवाइड कर लेंगे, जैसे कि मुझे याद आ रहा है कि जिसे आपने सेकंड जो आपने ज्ञात किया था t2 वो आपने ज्ञात किया था 2πy √ 2l पूरा सही है, हां 2l 2l / 3g, जिसमें से इसको मैं यहीं कर दूं सेपरेट 2πr√l/g into देखो साहब 2/3 जी, ये वैल्यू t1 के इक्वल आ गई, तो t2 इक्वल टू t1 into √2/3, तो इससे हमारे पास ये बना t2, इसको मैं t1 यहां लेता हूं, हां इज इक्वल टू √2/3, इसका इनवर्स पूछा हमें, हां t1 / t2 पूछा ना, तो इसको उल्टा कर लीजिए, उल्टा कर दें तो इसका ऑप्शन जो मिलेगा वो थर्ड है, तो ये भी एक प्रॉब्लम। अब इसमें ये कॉम्बिनेशन हो गया सिंपल पेंडुलम का और फिजिकल कंपाउंड का, दोनों का हो जाएगा। तो इस तरह से अपन पहुंच चुके हैं इसके लास्ट प्रॉब्लम पे, तो लास्ट क्वेश्चन भी वैसे एक अच्छी प्रॉब्लम है, तो इसमें देखो हमने क्वेश्चन ले रखा है कि ए यूट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म बोर ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज बीन सेट अप वर्टिकली विद ओपन एंड्स फेस्टिंग अप, यानी आपके पास कोई यूट्यूब है, इस तरह की यूट्यूब है सर हमारे पास एक, और इस यूट्यूब में इसके जो ओपन एंड है वो कैसे अपवर्ड मोशन में है उस ऊपर आपने सेट कर रखा है। नाउ कैपिटल एम ग्राम लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज पावर्ड इनटू इट, यानी पहली बात तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास कितना है कैपिटल ए, और इसमें हमने फिर क्या कोई लिक्विड है वो एड कर दिया, ये लो मान लो अपन यहां इसमें लिक्विड है वो एड कर दिया। अब यहां पे ये जो YouTube होती है इसका ये वाला पोर्शन बहुत ही कम अपन लेते हैं नेगलिजिबल, नेगलिजिबल कंसीडर करते हैं। अब अभी ये मान लो इसकी है इक्विलिब्रियम पोजीशन, जैसे इसके एक पोर्शन को अपन हल्का सा यहां से पुश करेंगे, पुश कर छोड़ेंगे, तो छोड़ते जो एक्स्ट्रा वेट यहां पे ऊपर लिफ्ट करेगा उसमें, और इसको रिमूव करेंगे तो सुडो फोर्स, सॉरी जो आपका यहां पे आपका रिस्टोरिंग फोर्स वगैरह डेवलप हो जाएंगे, और उसके बाद ये ओसिलेट करना शुरू कर देगा, जिसमें मान लो इसकी एक साइड में इसकी हाइट मान लो स्मॉल h है, तो टोटल इसकी जो लेंथ यहां से यहां तक की उसको मैं यहां पे l मान लूं, तो l वैसे कितनी हो गई 2h, एक तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा इसका बेसिक फॉर्मूला जैसे कि अपन पहले डिस्कस कर रहे थे, हम कलर हां कलर इसका अपन चेंज कर लेते हैं, रेड चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, तो t हमारे पास कितना है सर, t का सीधा फॉर्मूला यूज कर दीजिए 2π√h / g,
और एच हमारे पास कितनी आ जाएगी इससे एल बाई टू, बिल्कुल सर लिखें इसको आप, बिल्कुल हाँ। तो यहां से जो मिलेगा टी इज इक्वल टू टू पाई आर रूट ऑफ एल अपॉन टू जी, बट एल के बारे में आंसर नहीं तो एल को हम चेंज कर देंगे, फाइंड करना पड़ेगा। तो फाइंड करने के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दे रखा है, मास आपको दे रखा है, तो यहां से चेंज करेंगे तो हमें जो मिलेगा आप कहेंगे डेंसिटी आरो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या मिलेगा क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई लेंथ, तो लेंथ का जो फॉर्मूला मिला वो मिलेगा एम अपॉन आरो ए। जैसे मैं वैल्यू पुट करता हूं, वैल्यू पुट करते ही आंसर जो हमें मिलता है टू पाई आरो डॉग, क्या बोलेंगे एल की जगह एम अपॉन आरो ए, तो आप एम अपॉन आरो ए इंटू टू जी इंटू टू जी, ये टू जी आपको मिल गया। अब ऑप्शन चेक कर लेंगे तो फोर्थ आपके पास वाला ही से लग रहा है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो 2 पाई रूट एम अपॉन जी 2 रो जी ए। तो इस तरह से अपन लास्ट क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं और ये आपका बहुत शानदार एक क्वेश्चन था, और इसी क्वेश्चन के साथ अपन इस 17 गुरुनीति के फिजिक्स वाले ऑप्शन को समाप्त करते हैं। ओके थैंक यू, जय सी।